हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को इंगेज करने के लिए क्राफ्ट्स ढूंढते हैं, नेट पे ढूंढते हैं। तो बहुत ही इजी सा क्राफ्ट है ये, वॉल हैंगिंग है, जो आप अपने 3 साल से ऊपर बच्चे के साथ आराम से मिलके कर सकते हैं और 5 साल के बच्चे से इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इजी से वॉल हैंगिंग के लिए आपको जो भी सामान लगेगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दिया हुआ है। अक्राइलिक कलर्स में स्पेशली आपको ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन ही लेना है, तभी वो जो थोड़ा सा ब्राउनिश जो टिंज आया है मेरे वॉल हैंगिंग में वो आएगा। आपके पास अगर मोटा कार्डबोर्ड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास 2 पतले कार्डबोर्ड थे तो मैंने दोनों को जॉइन करने के लिए मास्किंग टेप से दोनों को जॉइन कर दिया है, तो थोड़ा सा वो मोटा हो गया है, थिक हो गया है। तो इस तरह से चारों तरफ से मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उनको ये वाला स्टेप खुद से करके दे सकते हैं, उनके हाथ में सिजर्स मत दीजिए। और अगर बच्चा बड़ा है तो फिर ये वाला स्टेप भी वो खुद से कर पाएंगे। आपको इस तरह से इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर लगा देना है, स्टिक कर देना है, इस तरह से लगा दीजिए उसको। फ्रंट का चिपकाने के बाद आप पीछे के एरिया में आपको चारों तरफ से इस तरह से उसको स्टिक करना है फेविकॉल लगा के। ये जो मैंने बोल में लिया है वो फेविकॉल और वाटर का मिक्सचर है। उसके बाद आपको एक और टिश्यू पेपर लेना है जो आपको उसके ऊपर ही चिपकाना है, जिस तरह से आपने पहला वाला चिपकाया था, ताकि जब आप पेंट करेंगे तो, क्योंकि अगर सिंगल टिश्यू पेपर लगाएंगे तो पेंट करने से वो फट सकता है क्योंकि पेंट गीला होता है, तो इसीलिए 2 टिश्यू पेपर लगा दीजिए ताकि स्ट्रॉन्ग रहे, वो फटे ना आसानी से। तो इस तरह से हमारा 2 टिश्यू पेपर इसमें लग गया है। तो अभी इसका हम इसको पलट देंगे, देखिए इस तरह से ये ऐसा रहेगा, इसके ऊपर से हमें पेंट करना है। तो अभी एक बोल में आप रेड और ब्लैक का मिक्सचर ले लीजिए, दोनों कलर को मिक्स कर दीजिए अक्राइलिक कलर को, तो इस तरह से थोड़ा सा ब्राउनिश शेड आ जाता है उसका। अब इस पेंट को लेके आपको जो फ्रंट पार्ट है इस पर इसको कलर करना है। तो ये बच्चे भी कर सकते हैं, आप अगर 3-4 साल के बच्चे को भी बता देंगे कि सिंपल स्ट्रोक से करना है। मेरी बच्ची भी बहुत छोटी है तो वो कर रही है, तो उसको सिखा दिया है मैंने कि स्ट्रोक में करना है, एक ही स्ट्रोक में करना है। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं बच्चे से। ध्यान रहे कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग मत कराइएगा, नहीं तो टिश्यू पेपर फट सकता है। और जिस तरह से ये पूरा फुल पेंट होगा वैसे ही जो पेपर कप हमने लिया था उसको भी पेंट करना है, तो ये उनके लिए बहुत इजी होता है पेंट करना। फिर जो बीट्स हैं आप उनको डेकोरेट करने के लिए ग्लास में इस तरह से लगा सकते हैं, वो सेल्फ एडहेसिव बीट्स है, इसमें आपको कोई फेविकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपके पास सेल्फ एडहेसिव बीट्स नहीं है तो आप सिंपल पर्ल ले सकते हैं और उसको फेविकॉल से स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ ग्लास के फ्रंट पोर्शन में आपको बीट्स लगाना है, और वही बीट्स आप थोड़े बहुत बेस में भी लगा सकते हैं, वो आपका मर्जी है कि आपको कैसे डेकोरेट करना है। तो इस तरह से आपको ग्लास डायगोनली अटैच करना है उसमें। अटैच करने के लिए या तो आप फेविकॉल से अटैच कर सकते हैं, और नहीं तो जो बोर्ड के पिंस आते हैं आप उससे भी अटैच कर सकते हैं। मैंने फेविकॉल से अटैच किया है, और ये देखिए इस तरह से हमारा वॉल हैंगिंग रेडी हो गया है। ये फ्लावर मैंने टिश्यू पेपर से बनाया है। अगर आपको इस फ्लावर का भी वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी उसका। और ये एक फ्लावर मैंने बिल्कुल जो पेपर्स आते हैं, क्राफ्ट पेपर आता है, उससे बनाया है। आप चाहें तो इस पर थोड़ा गोल्डन शेड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने दूसरे वाले में किया हुआ है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।